हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग की रुद्रोरे बाबा। सो वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई जस्ट वोक अप एंड देख ही रहे हो हुलिया, ये मैंने कल रात को बांधा था। मेरी नानी ने मेरे को कॉम्पे के दिया था, मतलब सबको सेटवेट करके दिया था। तो अभी तक मैंने विंडोज़ भी नहीं ओपन करे और ये बस ये डोर ओपन किया बिकॉज ये भगवान का मंदिर है हमारा, इसको सुबह सुबह ओपन करना था। मैं हाँफ रही थी बिकॉज मैं नीचे से दौड़ के ऊपर आई हूँ फिर से। चलो फिर से नीचे जाते हैं, ये सब बाद में खुलेंगे। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, दिस इज़ मैंडेटरी। और चाय पीने के बाद मैं गई मछली रखने बाहर से। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मैं पहली बार ऐसे किसी को मतलब मछली काटते देख रही हूँ, मतलब खुद खरीदते देख रही हूँ। तो मछली खरीद कर मैं गई थी थोड़ी सी मेरे घर के पास ही एक दुकान पर, मुझे कुछ ख़रीदना था। और वहाँ मुझे मिला टॉफ़ी। टॉफ़ी हमारे ही मतलब घर पे जो रहते हैं, रेंट पे रहते हैं हमारे घर पे, हमारे घर के पीछे वाले घर पे, मतलब वो भी हमारा ही है। तो उन रेंटर का डॉगी है ये टॉफ़ी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। और फिर मैं बैठ गई पूजा देने। मैं कुछ दिनों से पूजा दे रही हूँ, 4-5 दिन से। मैं दो मतलब शाम का दिन का दोनों पूजा ही मैं दे रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है देते देते पूजा देना। तो मैं पहले मतलब पूजा दे लेती हूँ फिर सारा काम करती हूँ दिन का। और मैं ना मतलब नई नई टेक्निक सीख रही हूँ पूजा देने की, चलो कोई नहीं शायद फ्यूचर में काम आ जाए। तो पूजा होने के बाद मैं फिर अपना थोड़ा सा स्किन केयर वेयर करूँगी, बट पूजा देने में तो टाइम लगता है। और पूजा देते देते मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम है पौधों को पानी देना, बिकॉज जो पूजा देता है वही पौधों को पानी देता है। और फिर पौधों में धूप दिखाता है, पौधों में नहीं एक्चुअली, वो जो आप पॉट देख रहे हो उस पॉट में हमें अगरबत्ती दिखानी होती है। तो पहले सबको पानी देने के बाद और फिर मैंने अगरबत्ती दिखा लिया और फिर हो गया मेरा पूजा कंप्लीट। तो अच्छा लगता है ऐसे देखने में, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। तो फिर पूजा ख़त्म हो जाने के बाद मैं जो मेस्टअप कर रखा है भगवान के मंदिर में, मैं वही साफ़ कर रही थी। अच्छे से साफ़ करना होता है, वरना भगवान का घर मुझे गंदा देखकर बहुत बहुत एलर्जी टाइप की होती है लिटरली। तो मैं अच्छे से साफ़ रखती हूँ, मैं जब भी पूजा करती हूँ तो सब कुछ अच्छे से साफ़ रख के। अब पूजा ख़त्म, जा रही हूँ मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने। हाय गाइस, तो मेरा पूजा देना तो हो गया, अब मैं थोड़ा सा सेल्फ़ केयर की बारी, बिकॉज मैं नहा चुकी हूँ और घर भी गंदा हो रखा है। बट आज मैं क्लीन नहीं करूँगी बिकॉज मैंने नहा लिया है, सुबह सुबह क्लीन करना होता है। तो कल जब मम्मी पूजा देगी तो मैं घर को थोड़ा सा क्लीन करूँगी, जो मुझे बहुत आलस आता है करने में। और दिस इज़ अपडेट ऑन माई पिम्पल्स, मैंने अभी जस्ट उस सोप से फेस धोया है और लगभग 1 वीक हो चुका है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और मैं रेगुलर भी यूज़ नहीं करती बिकॉज आई एम सुपर डुपर लेज़ी। सो हियर इज़ अपडेट, आप देख सकते हैं ये नया है कुछ, बिकॉज यहाँ पर मैंने अपर लिप्स करवाए थे तो ये आना इज़ नेचुरल, बट बहुत लेट आया ये, मतलब मैंने सोचा और पहले आ जाएगा बिकॉज मैंने पहली बार अपर लिप्स करवाया है पहली बार, तो ये बहुत लेट आया है। तो ये ओके, ये कुछ सेपरेट है बिकॉज मैंने यहाँ पर क्या बोलूँ, पहली बार कुछ यूज़ किया है ना, जो कि मैंने क्या तोतली बन रही हूँ। मैंने पहली बार अपर लिप्स करवाया तो मैंने पहली बार इधर का हेयर रिमूवल करवाया है, तो स्किन पे थोड़ी सी ऊंच नीच होना इज़ ऑफकोर्स लाइक नॉर्मल। तो दिस इज़ अपडेट ऑन माई पिम्पल्स एंड आई थिंक मेरा फेस काफ़ी क्लियर और पिम्पल्स काफ़ी लेस है। तो मैंने कुछ मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया इसीलिए फेस थोड़ा ड्राई लग रहा है, चलो मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। एंड आई एम रिपीटिंग, आई डोंट सजेस्ट एनी मॉइस्चराइज़र, यूज़ एज़ पर योर चॉइस। अगर मेरा मॉइस्चराइज़र लगा के आपको पिम्पल आ गए तो मेरे को मत बोलो। मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ ये विंटर क्रीम गुलाबरी डाबर का, और इसमें ग्लिसरिन मिक्स्ड है, मैंने उस वीडियो पर भी बोला था जहाँ पर मैंने वो सोप यूज़ करके दिखाया। तो चलो स्किन को मॉइस्चराइज कर लेते।
तो अभी चलो चलते हैं नीचे की तरफ। दरवाज़ा जैसे बंद करना होता है, वरना जब विंड आता है, विंड का हैवी फ्लो होता है, तो हर कुछ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है, लाइक खोलना बंद होना लगता है, तो लाइक ये हॉरर सीन लगता है बहुत ज़्यादा। तो सब कुछ अच्छे से बंद करने के बाद मैं जाऊँगी नीचे और आप लोगों को दिखाऊँगी कि आज क्या है लंच में। तो नानी कुछ दिनों से हमारे घर में है, तो आज लंच में है ये एरम फ्राई, एरम ही तो बोलते हैं आई गेस, हाँ एरम फ्राई मछली, और है साग, साग पत्ती का फ्राई वगैरह। तो इसके बाद मैंने खाना खा लिया, मैंने अपना लंच कर लिया और फिर मैं खा रही थी थोड़ा सा स्वीट, खीर का कुछ स्वीट था, वो अच्छा लगता है मेरे को खाना। हाय गाइस, मेरा शाम का पूजा भी हो चुका है, शाम को मैंने पूजा दिया और इधर मेरी मम्मी कुछ तो कर रही है, इसको हिलाने की कोशिश कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा, लाइक दो मर्द भी कम पड़ जाएंगे इसे हिलाने में, और मेरी मम्मी अकेले इसे लिख कर कुछ तो कर रही है। तो ये हमारे मेले में जाने का मौका नहीं मिला, बट कोई नहीं, मेला तो हर रोज आता रहता है। तो अभी मैं जाकर मेरा बाकी का काम निपटा लेती हूँ, मतलब लाइट्स ऑफ कर लेती हूँ, सब कुछ ठीक ठाक कर लेती हूँ, और ये देखो मैं क्या करती हूँ। तो हो गया अभी का पार्ट, बंद कर देती हूँ। पापा घर आए हैं और ये देखो ये क्या कर रहे हैं, उसको नीचे जाना है पर अकेले नहीं जा पा रहा है इसीलिए कर रहा है। चलो अभी जल्दी से ये सब समेट लेती हूँ, बिकॉज पूजा तो खत्म हो चुका है। ये हमारा नुकुल लवर नुकुल खाने आ गया, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा शाम का मेकओवर करते हुए, ये कोई मेकओवर नहीं है, ये मैं बालों को कॉम कर रही हूँ बिकॉज ये पागल की तरह हो रखे हैं। रात को फिर से नानी से, इसको क्या कहते हैं, बिनूनी को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, आई न्यू बट मुझे पता नहीं, मतलब आई न्यू दिस बिफोर बट अभी याद नहीं आ रहा, चोटी, नानी से चोटी बनवा लूँगी। अभी थोड़ा सा ऐसे बाल कट कर देते हैं ताकि थोड़ी सी मैं प्रेजेंटेबल दिखूँ, वरना ब्लॉग के लोग तो भाग जाएंगे, प्रेजेंटेबल तो बिल्कुल नहीं लग रही है। शुरू हो गया है मेरा उल्टा ब्लॉगिंग, प्लीज़ कोऑपरेट गाइस, मुझे कुछ दिख नहीं रहा मैं क्या ब्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज रात हो चुकी है, क्वालिटी ख़राब आएगी। वैसे भी मैंने मिरर का पार्ट फ्रंट कैमरे से किया है बिकॉज मुझे मतलब समझ नहीं आता मैं क्या शूट कर रही हूँ। तो चलो नीचे की तरफ चलते हैं, पापा आ चुके हैं घर, मैं दिख कैसे रही हूँ, अच्छा दिख रही हूँ, घर थोड़ा मैस्ट अप पर है, रहने देते हैं, अब नीचे चलते हैं। तो अभी मैं पी रही हूँ मेरी शाम की चाय, और मैं बात नहीं कर सकती बिकॉज बैन करी है पढ़ाई। तो किस किस को बोरबोन बिस्किट पसंद है जल्दी से बताओ, आई लव बोरबोन बिस्किट सिंस आई वॉज अ लिटिल किड, तब से मैं बोरबोन खा कर पड़ी हुई हूँ, आई जस्ट लव रिंग बोरबोन। और फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, मैंने अपना रात का डिनर दिखाकर व्लॉग को एंड कर दिया। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे, डू लाइक कमेंट एंड शेयर।